बुक्स लाना आप और मैं पढ़ाई करूँ। मतलब आप फ्री हो के आप कैसा लग रहा है आपको एग्जाम अच्छा खत्म करके? अब बस रिजल्ट अच्छा आ जाए, बस रिजल्ट अच्छा आ जाए बस। पता है कौन सी डेट पे गाड़ी आने वाली है इंशाल्लाह? पूछो ही मत, ट्रैफिक जाम कितना है, ट्रैफिक जाम बहुत है, बहुत है। चाचा आ रहे हैं सिनेमा आज पढ़ने, गैर के साथ क्या ही कर सकते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहली बात, बहुत गंदा जुकाम पड़ रखा है, ठीक है, फीवर भी है, ऊपर से रोजे भी रखे हैं। 14th डे ऑफ माह रमजान। दूल खा रोजे नहीं रखे? क्यों से कैसे ना रोज दर तो वही थे क्या ऐसे ना रोज दर सिनेमा आज पढ़ने हैं। वैसे मौसम आज बहुत बढ़िया है, बहुत सुहाना है। हो गई हमारी नमाज भी अच्छे से, तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों से कि आज है 10th का लास्ट पेपर और मुझे जाना है वही, क्योंकि मेरी बहन का भी एग्जाम चल रहा था 10th का, ठीक है, तो आप जाएंगे वहाँ। तो अभी कटाई मारा है 2:30 पे मुझे वहाँ जाना है, अभी निकलते हैं 10 मिनट के बाद। तो 10th क्लास के लोगों का एग्जाम हो गया खत्म, क्या विचार है आपके, कितने मजे करोगे? बहुत सारी और टेंशन भी रिलीज हो जाएगा। आज आपका एग्जाम खत्म हो गया, आपके क्या विचार है? आप बुक्स लाना आप और मैं पढ़ाई करूं। मतलब आप फ्री हो के अब कैसा लग रहा है आपको एग्जाम अच्छा खत्म करके? बस रिजल्ट अच्छा आ जाए, बस रिजल्ट अच्छा आ जाए, बस खुशी है आपको कि हमने एग्जाम आज खत्म किया? खुशी भी है और दुख भी है, क्योंकि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे जिस तरह हम जाते थे प्राइमरी स्कूल, अब हमें सेकेंडरी स्कूल में जाना पड़ेगा। ठीक, चलो अल्लाह ताला आपको अपनी जिंदगी में कामयाब करे, हमें भी और जो देख रहे हैं उनको भी। तैयारी का टाइम हो रहा है, तो ये है जी यहाँ पर बेसिल सीड का पानी। एक गिलास मैंने यहाँ पर पी लिया, तो मैं भूल गया था, मतलब ये वाला फ्रेम ऐड करना भूल गया था मैं। इसी के साथ मामा ने रोटी है, ये बेसिल सीड है, और ये क्या है, मसाला है। काटने का अंदाज ही अलग है माँ, देखो मामा ने काट लिया बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज जिस व्लॉग का दूसरा दिन, आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। एक दिन पहले मैंने गाड़ी बुक की थी, जो कि आपको पता ही है, आज मैं जा रहा हूँ वही, मतलब जो कि मैंने सोच के रखा कि किस टाइप के व्लॉग आएंगे, कुछ नया ट्रेंड लाते हैं व्लॉगिंग में। तो फिलहाल मैं निकलता हूँ, मुझे जाना है बिजबिहारा, जो कि यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर। अगर नए हो चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल। इसका ये गिर गया वॉइस It is 12:48 PM right now, तो अभी जाके हम निकले हैं, ठीक है। सिक्योरिटी भी मैंने लाई, पहले आप यहाँ से चेक मारो व्यू। Let us continue our सफर। पहले पहले मैं भूल गया था, अब तेज भी चल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इतनी तेज चल रहे हैं ना, आगे से कुछ चाचा आ रहे हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा गंदी पड़ रखी है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जी हमने ले लिया है थोड़ा बहुत शॉर्टकट, फिलहाल हम एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल रहे हैं। पूछो ही मत, ट्रैफिक जाम कितना है, ट्रैफिक जाम बहुत है, बहुत। यहाँ से भी ट्रैफिक, मैंने शॉर्टकट ले लिया था, फिर भी इतना टाइम लगेगा मैंने सोचा नहीं था ब्रो। अभी हम पहुंच चुके हैं केपी रोड पे, अभी लगभग 1 घंटा और लगे, आधा घंटा और लगेगा मुझे वहां तक, जहाँ पर मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है। भूख आज बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि गड्ढे पे जा रहे हैं ना सुकोटी, उसकी वजह से। अभी जाके पहुंचे हम कुछ ऐसी लोकेशन पे, ठीक है, अभी टाइम आ रहा है 1:24, तो नमाज का टाइम आ चुका है, ठीक, तो पहले पढ़ते हैं नमाज, उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। हेलमेट को रखेंगे इसी में, कभी जूता एक साथ नहीं रखना चाहिए, एक को एक जगह पे, दूसरे को दूसरी जगह पे रखेंगे, ऐसे जूता चोरी नहीं होता है। आ गए नमाज पढ़ के, अब निकलते हैं। मेरे को भूख लग रही है कसम से। ये पहुंच गए जी हम यहाँ पे, ठीक है, कि अब जाएंगे अंदर, देखते हैं, चलिए निकलते हैं। हाँ, अब
लगभग 10-15 मिनट 20 मिनट हमने यहाँ पे दिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी मुझे मिली यहाँ पे आके। पता है कौन सी डेट पे गाड़ी आने वाली है? इंशाल्लाह 10th of April 10वीं तारीख को हमारी गाड़ी आने वाली है, एकदम फुल पावर ब्रो, जिंदा, एकदम जिंदा गाड़ी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी गाड़ी लेने के लिए। और हाँ, उसके बाद ना हम किसी से मांगेंगे ना हमसे कोई मांगेगा, ठीक है ना? फिर जो अपना होता है वो अपना ही होता है, ठीक। अपने में पूरा हक होता है, कुछ भी कर सकते हैं अपनी, जो अपना होता है ना उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, गैर के साथ क्या ही कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं इतना ज़्यादा किस चीज़ से थक गया हूँ। अभी रेस्ट ले रहा हूँ लाल चौक में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं आज यहाँ पे, बहुत ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन मेरी थकावट है। इसी के साथ बज चुके रात के 12:30। तो अभी तक ना मैं इस व्लॉग को एडिट कर रहा था, तो अभी जाके मैंने इस व्लॉग को एडिट करके ख़त्म किया। और अभी उठना है, 2-3 घंटे के बाद उठना है सहरी खाने के लिए। ऊपर से बीमार है, गले में दर्द है, जुकाम हो रहा है, हो रखा है, फीवर है, और चेहरे में भी थोड़ी स्किन प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने दवाई लगाई है, ठीक है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस व्लॉग को एडिट करने में, बहुत ज़्यादा। क्यों, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। इस व्लॉग का भी करते यहीं पे एंड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो इस व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, पीस आउट गाइस। जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना, शेयर ज़रूर करके जाना, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके जाना। बाय बाय।